नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी वीडियो क्या होने वाली है? आज हमारी वीडियो होने वाली है विद्युत सेल पार्ट सेकेंड। दूसरा भाग है विद्युत सेल का। पिछली वीडियो में हमने पांच सेल कर लिए थे, पांच प्राथमिक सेल कर लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो पे चलते हैं और नीचे जो विवरण बॉक्स है वहां पे मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, जहां पे मैं आईटीआई संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता हूं। यदि आप ज्वाइन होना चाहें तो वहां से लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बचे हुए सेल लेने वाले हैं। पांच सेल मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं, तो आज हम किन किन सेलों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला सेल है हमारा क्षारीय सेल, पहला सेल है क्षारीय सेल। दूसरा सेल है हमारा पारा सेल, यानी कि मरकरी सेल। तीसरा सेल है हमारा सिल्वर ऑक्साइड सेल। और चौथा सेल, यानी कि लास्ट सेल जो हम डिस्कशन करेंगे, वो हम करेंगे लिथियम सेल। ये चार प्राथमिक सेलों की चर्चा हम आज करेंगे, पांच की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। और इसके बाद हम आंतरिक प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किस प्रकार, किस पे निर्भर करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे प्राथमिक सेलों के दोषों के बारे में, कि कौन कौन से दोष पाए जाते हैं और किस प्रकार हम इनको सही कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने पहले सेल पर। पहला सेल हमारा क्या है? पहला सेल है हमारा क्षारीय सेल। जिसे हम इंग्लिश में एल्काइन सेल कहते हैं, तो ये था क्या सेल, क्या चीज था? देखिए, जो पहले जो सेल हमने डिस्कशन किए हैं, जो पांच सेल हमने पढ़े हैं, उनमें क्या होता था? अमल का उपयोग करते थे। किसी में अमोनियम क्लोराइड एक अमल था, गंधक का तेजाब एक अमल था, ठीक है। तो तेजाब का उपयोग करते थे, अम्लों का उपयोग करते थे, लेकिन जब ये एल्काइन सेल बना तब से क्या हुआ, सेलों में क्षार का उपयोग करने लगे। पहले अम्ल का करते थे, क्षारीय सेल बनने के बाद क्षार का उपयोग करने लगे। पहली बार जो क्षार का उपयोग किया था सेलों में वो 1899 में हुआ था। 1899 में पहली बार सेलों में क्षार का उपयोग हुआ था, जो किया था वेल्डेकर। जुगनार एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। जो सेल बनाया था, एक विस्तृत रूप से जो सेल बनाया था वो 1901 में बना था, यानी कि जो क्षारीय सेल बना था वो 1901 में बना था, एल्काइन सेल। जो किसने बनाया था? जो बनाया था थॉमस एल्वा एडिसन, यानी कि थॉमस एडिसन ने बनाया था क्षारीय सेल को 1901 में। जो वर्तमान स्वरूप है इस सेल का वो 1950 में आया है। क्षारीय सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन सेल कहते हैं। इन सेलों में क्षार का उपयोग होने लगा। सबसे पहले क्षार का उपयोग वेल्डेकर जुगनार ने किया, और सेल जो एल्काइन सेल बनाया वो थॉमस एडिसन ने बनाया। जो वर्तमान रूप में यूज किया जा रहा है क्षारीय सेल, वो 1950 में बनाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है और नेगेटिव प्लेट किसकी बनी। देखिए,
डायग्राम बनाकर हम नहीं समझेंगे। अगर डायग्राम और रासायनिक अभिक्रिया अगर अपने समझने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अपने शॉर्ट में करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन ही हमारे आते हैं आईटीआई में। ठीक है, तो इसमें जो धनात्मक इलेक्ट्रोड थी हमारी, धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि प्लस जिसे हम कहते हैं एनोड, वो किसकी बनी? ध्यान दीजिए, किसकी बनी थी? वो बनी थी मैग्नीज डाइऑक्साइड की, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ध्यान देने वाली बात है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड की बनी थी, पॉजिटिव बनी थी। क्यों बनी थी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की? ध्रुवन दोष दूर करने। अभी अपने प्राथमिक सेलों के दोष दूर करेंगे, बात करेंगे ना दोषों पे लास्ट में सबसे वीडियो में, तब हम बताएंगे आपको ध्रुवन दोष क्या होता है, स्थानीय दोष क्या होता है। तो पॉजिटिव जो बनी थी वो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की बनी थी, ठीक है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की बनी थी। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव यानी कि कैथोड किसकी बनी थी? किसकी बनी थी कैथोड इस सेल में? तो इस सेल में कैथोड फॉरएवर जिसकी बनती आई है उसकी ही बनी थी, जस्ते की। किसकी बनी थी? जस्ते की बनी थी, ठीक है। एनोड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड माइनस कैथोड जस्ते की। और विद्युत अपघटन कौन सा उपयोग किया गया था ये याद रखिएगा, विद्युत अपघटन। पॉजिटिव किसकी बनी है, नेगेटिव किस? विद्युत अपघटन क्षारीय यूज किया गया था, ठीक है। कौन सा था वो विद्युत अपघटन था हमारा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं KOH। KOH लिखते हैं हम शॉर्ट रूप में, ठीक है, KOH। या हम ऐसे भी कह सकते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस क्षारीय गोल्ड, ऐसे भी हम कह सकते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्षारीय गोल्ड, ठीक है। ठीक है, यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना आए क्वेश्चन में, अगर क्षारीय लिखा आए तो क्षारीय भर देना, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्षारीय होता है। पहली बार जो क्षारीय इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया वो क्षारीय सेल में ही यूज किया गया, जिसे एल्काइन सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है ना अपना? तो इसकी जो सेल की लाइफ है बहुत लंबी लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, 10 साल तक ये सेल चल सकते। ऐसा नहीं कि आप घड़ी में यूज करोगे, मान लो जिसमें भी यूज कर रहे हो आप उसमें यूज करोगे तो ये 10 साल आपको एक सेल डलवाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। इसका 10 साल लाइफ का मतलब होता है यदि ये सेल पड़ा रहे तो 10 साल तक ये खराब नहीं होगा, 10 साल तक ये आराम से पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसको नहीं होगी, ठीक है। और इसकी वोल्टेज की बात करें, इसकी वोल्टेज और धारा क्षमता की बात करें, वोल्टेज क्षमता और धारा क्षमता की बात करें इस सेल की, तो वोल्टेज इस सेल की 1.5 वोल्ट थी, वोल्टेज इस सेल की 1.5 वोल्ट थी। और धारा क्षमता की बात करें तो धारा क्षमता इसकी 3.5 एम्पियर हावर थी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सारी सेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ हमने बता दिया। एल्काइन सेल था, पहली बार थॉमस एडिसन ने इसको बनाया, वर्तमान स्वरूप 1950 में आया। एनोड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की बनी हुई थी, ऋणात्मक जस्ते की बनी हुई थी, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की क्यों बनाई गई? ध्रुवन दोष को दूर करने के लिए। विद्युत अपघटन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल था, या फिर क्षारीय लिखा जाए तो क्षारीय भी बन सकते हो आप, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना आए तो, ठीक है। और इसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट थी, धारा क्षमता 3.5 एम्पियर हावर थी। तो क्लियर है ना ये सेल? अब अगले सेल पे चलते हैं। अगला सेल हमारा कौन सा है? अगला सेल है हमारा पारा सेल। यहां पे मैं टिक मार देता हूं भाई, क्षारीय सेल हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेल पे चलते हैं जो कि है हमारा पारा सेल। पारा सेल कहां पे यूज होता है, क्या होता है पारा सेल, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं भाई। पारा सेल है जो हमारा, पारा सेल, ठीक है, पारा सेल। इस सेल को मर्क्यूरिक सेल भी कहते हैं। मर्क्यूरिक सेल भी कहते
कहते हैं, याद रखिएगा इस सेल को मर्क्यूरिक सेल भी कहते हैं, इस सेल को बटन सेल भी कहते हैं। बटन सेल क्यों कहते हैं इस सेल को, क्योंकि ये बटन के आकार का होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। कहां पे यूज करते हैं, घड़ियों में यूज करते हैं हम इस सेल को, घड़ियों में जो सेल डाला जाता है वो यही होता है पारा सेल, जो छोटा सा होता है ना बटन का, जो अपने छोटी छोटी जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां आती हैं या हाथ में बांधने वाली घड़ियां आती हैं उसमें जो सेल यूज होता है उसे हम पारा सेल कहते हैं। बटन के आकार का होता है इसलिए इसको बटन सेल भी कहा जाता है। 1942 ईस्वी में यह सेल बना। कब बना? 1942 ईस्वी में। किसने बनाया इस सेल को? बनाया सैम्यूल रोबिन ने। इस सेल को बनाया था सैम्यूल रोबिन ने। कब बनाया? 1942 में। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, धनात्मक जिसे हम कहते हैं एनोड, वो किसकी बनी थी? वो बनी थी मर्क्यूरिक ऑक्साइड की, वो बनी थी मर्क्यूरिक ऑक्साइड की। ये अलग अलग धातुओं का इसको बनाने का अर्थ यही होता है कि इसमें ध्रुवन दोष ना हो, ध्रुवन दोष ना हो, ठीक है। जो नेगेटिव बनी थी वो नेगेटिव जिसे हम कहते हैं कैथोड, वो तो हमारी बनी थी किसकी? जस्ते की। जो विद्युत अपघट्या उपयोग किया गया था, जो विद्युत अपघट्या उपयोग किया गया था वो कौन सा उपयोग किया गया था? वो वही यूज किया गया था जो हम मर्करी, जो हम क्षारीय सेल में उपयोग करते थे, पोटेशियम हाइड्रोऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोऑक्साइड, या पोटेशियम हाइड्रोऑक्साइड से क्या था कि धारा क्षमता ज्यादा मिलती थी, धारा क्षमता ज्यादा मिलती थी। अगर आपको लो धारा क्षमता चाहिए तो हम इसमें सोडियम हाइड्रोऑक्साइड भी उपयोग कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड भी उपयोग कर सकते हैं यदि हमें कम धारा क्षमता चाहिए तो, ठीक है। विद्युत अपघट्य कौन सा उपयोग करते थे? पोटेशियम हाइड्रोऑक्साइड उपयोग करते थे, ठीक है, क्लियर है बात। अब वोल्टेज जो थी इस सेल की, जो वोल्टता थी इस सेल की, वो लगभग 135 से लेकर 145 तक, नो लोड पे यह 145 तक वोल्टेज दे सकता था। अगर आप फुल लोड पे वोल्टेज देखोगे तो 1.35 वोल्ट ही रह जाती थी, 1.35 वोल्ट से 1.45 वोल्ट तक हमें यह सेल वोल्टेज दे सकता है। धारा क्षमता की बात करें, इस सेल की धारा क्षमता जो थी, इस सेल की धारा क्षमता जो थी 6 एम्पियर हवर थी, काफी बढ़िया धारा क्षमता थी इस सेल की, ठीक है, 6 एम्पियर हवर इसकी धारा क्षमता थी, ठीक है। इस सेल का उपयोग कहां पे करते हैं? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, हाथ में बांधने वाली जो घड़ी होती है उसमें उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों में उपयोग करते हैं, इन जगहों में इस सेल का उपयोग किया जाता है। तो क्लियर है, फटाफट एक रिवीजन। पारा सेल को मर्क्यूरिक सेल भी कहा जाता है, बटन सेल भी कहा जाता है। 1942 में सैम्यूल रोबिन ने इस सेल को बनाया। एनोड किसकी बनी हुई थी? मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बनी हुई थी, इसलिए इस सेल को मर्क्यूरिक सेल कहा गया। कैथोड किसकी बनी हुई थी? जस्ते की बनी हुई थी। विद्युत अपघट्य कौन सा उपयोग कर रहे थे? पोटेशियम हाइड्रोऑक्साइड उपयोग कर रहे थे। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोऑक्साइड उपयोग करोगे तो धारा क्षमता ज्यादा होगी, यदि सोडियम हाइड्रोऑक्साइड यूज करोगे तो धारा क्षमता कम होगी। वोल्टेज 1.35 से 1.45 वोल्ट थी इसकी, धारा क्षमता 6 एम्पियर हवर थी। ये कोई रीजन हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट या नोट करते रहो साथ साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अपने आगे की बात करते हैं। आगे हमारा कौन सा सेल आ गया? सिल्वर ऑक्साइड सेल आ गया, सिल्वर ऑक्साइड सेल आ गया, ठीक है। बटन के आकार का था भी पारा सेल, इसलिए इसको बटन सेल भी कहा जाता है। बटन सेल किसे कहा जाता है? पारा सेल को कहा जाता है, याद रखिएगा, बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तीन नंबर है हमारा, सिल्वर ऑक्साइड सेल, ठीक है।
देखिए भाई, इस सेल को क्या कहा जाता है? इस सेल को कहा जाता है चांदी का सेल, ये याद रखिएगा भाई। उस सेल को बटन सेल, इस सेल को चांदी का सेल। कई बार हम गए हैं ना घड़ी में सेल डलवाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि घड़ी वाला पूछता है मैकेनिक हमसे कि चांदी का सेल डाल दूं क्या। हम पूछते हैं चांदी का सेल, तो फिर हम कहते हैं डाल दो, क्योंकि तो चांदी का सेल डाल रहे हो भाई। तो वो चांदी का सेल क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है। क्या विशेषता है इस सेल की? क्यों हमें दुकानदार कहता था कि चांदी का सेल डाल दूंगा? ठीक है, तो बात करते हैं हम, क्यों हमें दुकानदार कहता था चांदी का सेल डाल दूं क्या। तो इसका जो आविष्कार किया था वो जापान की एक कंपनी ने किया था। जापान की एक कंपनी ने इस सेल का आविष्कार किया था। इस सेल का आविष्कार जापान की एक कंपनी ने किया था। ठीक है, इसमें जो ये लगभग पारासेल जैसा ही था, पारासेल के समान ही इसकी रचना थी। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल ही इसमें उपयोग किया गया इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। लेकिन क्या किया गया, प्लस जो एनोड हम उपयोग करते थे पारासेल में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपयोग करते थे ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के उपयोग करते थे। लेकिन इस सेल में क्या किया गया, सिल्वर ऑक्साइड सेल में पॉजिटिव एनोड सिल्वर ऑक्साइड की उपयोग की गई, यानी कि चांदी की प्लस बनाया गया। सिल्वर ऑक्साइड का क्या बनाया गया? प्लस बनाया गया। इसलिए इस सेल को चांदी का सेल कहा गया, क्योंकि इसमें सिल्वर उपयोग होता था। ठीक है, माइनस तो हमारी एवरग्रीन ही रहेगी, कैथोड जो हमेशा हमारी किसकी बनती आई है, जस्ते की बनती आई है। इस सेल में भी क्या आएगा, जस्ते की बन। जो इलेक्ट्रोलाइट था वो हमारा किसका उपयोग करेंगे, जो हम पारासेल में उपयोग करते थे पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड की ही उपयोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इस सेल में भी। ठीक है, इस सेल में क्या था, ये लगभग 5-6 साल चल सकता था, 5 या 6 साल चल सकता था, पारा सेल 10 साल चल सकता था। ठीक है, तो ये 5-6 साल ये सेल आराम से चल सकता था। ठीक है, तो भैया अब हमें क्यों कहता था एक मैकेनिक कि सिल्वर का सेल डाल दूं क्या, चांदी का सेल डाल दूं क्या? वो इसलिए कहता था क्योंकि इस सेल की जो वोल्टेज है वो काफी ज्यादा होती है। इस सेल की वोल्टेज पारा सेल की अपेक्षा ज्यादा होती है। इस सेल की वोल्टेज जो होती है वो पारा सेल की अपेक्षा ज्यादा होती है, जो कि लगभग 1.50 वोल्ट से 1.55 वोल्ट होती है। ठीक है, एक तो वोल्टेज ज्यादा थी इसलिए हमें मैकेनिक कहता था कि ये सेल डाल दो। एक क्या था, धारा क्षमता इसकी 8 एम्पियर हवर थी। उस सेल की कितनी थी, उस सेल की 6 एम्पियर हवर थी, तो इस सेल की कितनी है, 8 एम्पियर हवर। इसलिए हमें वो मैकेनिक कहता था कि चांदी का सेल डाल दूं। एक ये महंगा था, मैकेनिक के पैसे भी मन रहे थे, ऊपर से हमें फायदा क्या हो रहा था कि वोल्टेज ज्यादा मिल रही थी और एम्पियर धारा क्षमता हमें ज्यादा मिल रही थी, इसलिए मैकेनिक साहब हमें कह रहे थे कि हम चांदी का सेल डाल दो। ठीक है, तो भैया दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसे सिल्वर ऑक्साइड सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम चांदी का सेल भी कहते हैं। जापान की एक कंपनी ने बनाया, पारा सेल के समान ही होता है लगभग। पारा सेल में एनोड यूज कर रहे थे हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, लेकिन इसकी इसमें हम यूज करेंगे सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर का उपयोग होने के कारण इसे चांदी का सेल कहा गया, सिल्वर का सेल कहा गया। कैथोड किसकी बनी होगी, जस्ते की बनी होगी। और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। इसकी वोल्टेज क्या होगी, 1.50 से 1.55 होगी। धारा क्षमता कितनी होगी, 8 एम्पियर हवर होगी। क्लियर है हमारा, तीसरा सेल भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपने चौथे सेल पे, जो कि है हमारा लिथियम सेल। ठीक है, जो कि है हमारा लिथियम सेल, फटाफट इसको मिटा देते हैं और फिर बात करते हैं हम चौथे सेल की, जो कि है हमारा लिथियम सेल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सेल है लिथियम सेल, और क्या विशेषता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, चौथा सेल है हमारा लिथियम, लिथियम सेल। ठीक है,
तो इसमें जो बना होता थी एनोड जो बनी होती थी वो किसकी बनी होती थी? कार्बन की, यानी कि पॉजिटिव जो बनी होगी वो कार्बन की बनी होगी। जो कैथोड होगी, जो हमारी नेगेटिव होगी, वो किसकी बनी होगी? जस्ते की। अरे ना भाई, जस्ता मत बनना। इसमें जो नेगेटिव बनी है वो अलग बनी है, वो किसके बनी है? वो लिथियम की बनी है, याद रखिएगा। नेगेटिव जस्ते की मत लिख देना। लिथियम सेल में नेगेटिव लिथियम की बनी होगी, पॉजिटिव कार्बन की बनी होगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करोगे इस सेल में, इलेक्ट्रोलाइट वो हमारा होगा H2SO4, जिसे हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं, और जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इंग्लिश में, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो भैया पॉजिटिव कार्बन के नेगेटिव लिथियम की इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 होगा, ठीक है, H2SO4 होगा। इसकी वोल्टेज की बात की जाए, इस सेल की वोल्टेज की बात की जाए कि लिथियम सेल की वोल्टेज कितनी होती है, तो लिथियम सेल की जो वोल्टेज होती है, जो वोल्टता होती है, वो लगभग 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट के मध्य होती है। 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट के मध्य होती है। अब देखिए, हमने कल 5 सेल किए, आज चौथा सेल कर रहे हैं। इनमें से इतनी वोल्टेज किसी भी सेल की हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो यह सेल जो है, ये सबसे ज्यादा वोल्टेज वाला प्राथमिक सेल है, सबसे ज्यादा वोल्टता वाला प्राथमिक सेल है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप में पूछूंगा मैं। सबसे ज्यादा वोल्टेज वाला प्राथमिक सेल है कौन सा सेल? लिथियम सेल। सबसे ज्यादा वोल्टेज वाला प्राथमिक सेल है। इसका उपयोग कहां पे करते हैं? इसका उपयोग कहां पे करते हैं इस सेल का? इस सेल का जो उपयोग करते हैं वो हृदय संबंधी जो उपकरण आता है पैस मेकर, उसे बनाने के लिए कहते हैं। श्रव्य साधनों में इसका उपयोग करते हैं, सुनने वाले साधनों में। तो पैस मेकर में इस सेल का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं, ये पैस मेकर में हृदय संबंधी, जो हृदय गति मापने संबंधित होता है यंत्र, उसमें किस सेल का उपयोग करते हैं? तो उसमें हम उपयोग करते हैं लिथियम सेल का। तो क्लियर है, तो हमारा ये चौथा सेल भी क्लियर हुआ, सिल्वर ऑक्साइड और लिथियम सेल। अब हम बात करने वाले हैं सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। तो इसको पहले मिटा देते हैं और फिर हम बात करेंगे आंतरिक सेल में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो फ्यूज करके, ठीक है। फिर मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। हमारे सेल कंप्लीट हो गए, हमने 9 सेल कर लिए हैं, हमने 9 सेल कर लिए हैं। तो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की चर्चा करें हम। आंतरिक प्रतिरोध, देखिए, जब सेलों से हम वोल्टेज लेते हैं ना, जब भी सेलों पे हम लोड डालते हैं, लोड लेते हैं यानी कि उससे करंट लेते हैं, तो उसकी वोल्टेज कम होती रहती है। वोल्टेज कम होने का कारण क्या है? वोल्टेज कम होने का कारण है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो उसके अंदर का प्रतिरोध है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्या है आंतरिक प्रतिरोध? जो सेल बनाए जाते हैं ना, वो जिस भी पदार्थ से बनाए जाते हैं, जिस भी पदार्थ से बनाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड जिस भी पदार्थ से बनाई जाती है, उसका कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। उसमें कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि आप प्योर चीज यूज कर लोगे जिसमें जीरो रजिस्टेंस हो। तो जीरो रजिस्टेंस तो किसी में होता ही नहीं। जिस भी पदार्थ का आप सेल में उपयोग करोगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। वो प्रतिरोध क्या करेगा? उसके आंतरिक आंतरिक में जो धारा प्रवाह होगा, आंतरिक धारा प्रवाह होगा, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। यानी कि उसके आंतरिक जो अंदर से धारा गुजरेगी, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। वो बाधा जो उसका आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा, वो ही हमारा क्या कहलाएगा? आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। रजिस्टेंस, इंटरनल इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सेल कहलाएगा, ठीक है।
ये एक तो पदार्थ जिस पदार्थ के बने उस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज, कौन सा यूज कर रहे हो, उस पर भी निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध। इलेक्ट्रोलाइट आप कौन सा उपयोग कर रहे हो, याद रखिएगा, मैं पूछूंगा ग्रुप में, ठीक है। इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी पर भी निर्भर करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी पर भी निर्भर करता है, किस किस पे निर्भर करता है आंतरिक रेजिस्टेंस, वो बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोलाइट पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट के मध्य दूरी पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षिक घनत्व पे निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षिक घनत्व पे निर्भर करता है, जो हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं, आगे बात करेंगे हम जब द्वितीयक सेल करेंगे। अपेक्षिक घनत्व पे निर्भर करता है। चौथा जो निर्भर करता है वो तापमान पे निर्भर करता है, किस तापमान पे आप यूज कर रहे हो सेल को, उस पे निर्भर करता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इतनी चीजों पे यह निर्भर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पे, इलेक्ट्रोलाइट के मध्य इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी पे, इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व पे, तापमान किस पे यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट किस पदार्थ के बना रहे हो, इतनी चीजों पे यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। इसे जो ज्ञात करना है, इसे आप ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, टोटल वोल्टेज में से अगर आपने टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करनी है किसी सेल की, तो टोटल वोल्टेज में से आप इंटरनल रेजिस्टेंस घटा दोगे तो आपके पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी। टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज मिलेगी एक सेल की, वो किस पे निर्भर करेगा, टोटल वोल्टेज जो सेल जनरेट कर रहा है उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस की वोल्टेज घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, टर्मिनल पे जो सेलों के वोल्टेज है वो आ जाएगी। अब इसको ज्ञात कैसे करें, कैसे निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस को, एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को किस प्रकार निकाल सकते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। क्या है आंतरिक प्रतिरोध भाई, क्या होता है, सेल के अंदर भी प्रतिरोध होता है, सेल के बाहर आप प्रतिरोध जोड़ोगे वो तो अलग है, सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है जो उसके चालकों द्वारा उत्पन्न होता है, जिससे वह बनाया जाता है, इलेक्ट्रोड पे निर्भर करता है। अब मान लीजिए यह एक मान लीजिए यह एक सेल है, ठीक है। तो इसकी पहले तो आप नो लोड पे वोल्टेज माप लो, इसकी नो लोड वोल्टेज कितनी है, ठीक है, नो लोड पे वोल्टेज कितनी है, ठीक है, वो मान लो जितनी भी है एक्स है जो भी है, ठीक है। एक तो नो लोड पे वोल्टेज माप लो, एक शॉर्ट सर्किट में इसकी धारा माप लो। नो वोल्टेज पे, नो लोड पे वोल्टेज मापनी है और शॉर्ट सर्किट में, शॉर्ट में धारा मापनी है, शॉर्ट में धारा मापनी है। ये V हो गया नो लोड और ये I हो गया शॉर्ट, ठीक है। इससे हम रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। फिर I बराबर क्या होता है हमारा, R ज्ञात करना है ना, तो R बराबर हमारा क्या होता है, V बटा I। V नो लोड में I शॉर्ट का भाग लगा देंगे तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये ओपन था जब सर्किट, तब जो वोल्टेज लिया, और ये जब शॉर्ट करके हमने करंट लिया वो है। इससे हमारा क्या होगा, आई आर आर इंटरनल ज्ञात हो जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। यदि हम वोल्टेज ज्ञात करें एक सेल की ओपन रख के सर्किट को, यानी कि कोई भी हमने कुछ नहीं जोड़ा है, यहां पे हम वोल्टेज माप लें तो वो प्रणाली क्या हो जाएगी, ओपन सर्किट की वोल्टेज होगी, नो लोड वोल्टेज होगी। यदि हम इसको शॉर्ट करके करंट मापे थोड़ी देर में शॉर्ट करके, तो वो हमारे ही हो जाएगा, आई हो जाएगा शॉर्ट में, दोनों का भाग लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेलों के अंदर जो प्रतिरोध पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि सेलों में इलेक्ट्रोलाइट पे निर्भर करता है। सेलो इलेक्ट्रोड किस पदार्थ की बनी है इस पे निर्भर करता है, सेलों के इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी कितनी है इस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति क्या है इस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट की अपेक्षित घनत्व क्या है इस पे निर्भर करता है, और प्रकृति
तापमान, किस तापमान पे प्रयोग करते हो सेल की, इस पे निर्भर करता है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक सेल लीजिए, उसको ओपन सर्किट में उसकी वोल्टेज माप लीजिए, ठीक है, कोई भी सर्किट ना जोड़कर, और एक उस सेल को शॉर्ट करके उसका करंट माप लीजिए, दोनों का भाग लगा दिए, वी बटा आई कर दीजिए, क्योंकि ओम के नियम अनुसार आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई होता है, वी बटा आई का भाग लगा दीजिए, जो भी रजिस्टेंस आपको प्राप्त होगा वो सेल का आंतरिक रजिस्टेंस होगा। इस तरीके से हमें सेल की आंतरिक रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेलों में होने वाले दोषों की, इंपॉर्टेंट चीज है ये, पढ़ना बहुत ही अच्छे से पढ़ना, ठीक है, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बन जाते हैं यहां से, ठीक है। देखिए पहले जो सेल बना हमारा, जो वोल्टाइक सेल बना, सरल सेल दोष, जो हमारा वोल्टाइक सेल बना उसमें दो तरीके के दोष दिए गए, यानी कि जो भी हमारे सरल सेल थे जिनमें हमें कोई ज्यादा मतलब आविष्कार नहीं किया, सेल बना दिया सीधा, उसमें दो प्रकार के दोष पाए गए, जिसमें से एक दोष था हमारा स्थानीय क्रिया दोष, स्थानीय क्रिया दोष एक तो ये था, सेकंड हमारा था ध्रुवन दोष, ठीक है। स्थानीय क्रिया दोष को हमने अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो कहते हैं वो हम कहते हैं लोकल एक्शन, और जो ध्रुवन को हम कहते हैं इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। स्थानीय क्रिया दोष और ध्रुवन दोष दो प्रकार के दोष पाए गए सेलों में, ठीक है। स्थानीय क्रिया दोष क्या था, पहले हम स्थानीय क्रिया दोष की बात करते हैं, क्या था, सेल जब हम उपयोग नहीं कर रहे थे, सेल जब उपयोग नहीं हो रहा था, उपयोग नहीं हो रहा था तो क्या था कि हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते थे। अमूमन क्या होता है, जब हम सेल यूज करते हैं या चार्ज करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तब हाइड्रोजन के बुलबुले निकलने चाहिए। लेकिन इस दोष में क्या होता था, सेल जब उपयोग नहीं हो रहा तब क्या था, हाइड्रोजन के बुलबुले निकल रहे थे। यानी कि हाइड्रोजन के बुलबुले निकलने का अर्थ क्या है कि सेल में रासायनिक अभिक्रिया कोई हो रही थी, सेल में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, इससे क्या होता था कि सेल जल्दी खत्म हो जाता था। यानी कि लगातार अगर हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते रहेंगे तो सेल क्या होगा, जीवन जो काल है उसका सेल का वो कम हो जाएगा, जीवन काल है जो सेल का वो कम हो जाएगा। हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते थे तो और पारे की जो सेल, और किस, ये याद रखने है ना, स्थानीय क्रिया दोष किस पट्टी पे होता था, स्थानीय क्रिया दोष किस पट्टी पे होता था, तो स्थानीय क्रिया दोष जो होता है वो कैथोड पे होता है, जो हमारी बनी थी जस्ते की, यानी कि जस्ते की पट्टी पे स्थानीय क्रिया दोष होता है। ये हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं जो जस्ते की पट्टी को लगातार खत्म करते रहते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जस्ते की पट्टी बिल्कुल ही जवाब दे जाती है और धारा प्रवाह हमारा रुक जाता है, ठीक है। तो इस यह दोष किस पट्टी पे हुआ, जस्ते की पट्टी पे हुआ, कौन सी थी, कैथोड थी। क्या होगा, जीवन काल कम हो जाएगा सेल का, क्या होता था, सेल जब उपयोग में नहीं होता तब हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते रहते थे, हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते रहते थे जस्ते की पट्टी का, जो अपाचन करते रहते थे, ठीक है, जस्ते की पट्टी आखिरकार खत्म हो जाती थी। तो क्यों हुआ ये दोष, कारण क्या था इससे, इसका क्यों हुआ, इसमें क्या था कि जस्ते में अशुद्धियों के कारण, जस्ते में अशुद्धियों के कारण, मान लो कि जस्ते में कोई भी शीशा, शीशे की अशुद्धि पाई गई, मान लो कोई भी अजीबोगरीब पदार्थ पर डाल दिया गया, कुछ भी अशुद्धि, यानी कि प्योर तांबा, प्योर जस्ता नहीं था, यदि प्योर जस्ता यूज कर लेते आप तो यह दोष नहीं होता, लेकिन प्योर जस्ता नहीं था इसलिए क्या था कि सेलों में यह दोष पाया गया। यानी कि यदि आप भी प्राथमिक सेल बनाओ ना तो प्योर जस्ता लेके ही बनाना, नहीं तो फिर ये स्थानीय क्रिया दोष हो जाएगा और फिर बैठे रहना भाई, सेल जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। इस सेल को दूर कैसे किया जाए, निदान क्या था इस सेल का, इस सेल का निदान क्या था कि जस्ते की पट्टी को बाहर निकाल लो, जस्ते की पट्टी को बाहर निकाल के अमल से धो दो, अमल यानी कि एसिड से धो दो, उसको साफ कर लो एसिड से, जस्ते की पट्टी को बाहर निकालें, उसको अमल से धोकर साफ कर लें, और फिर उस पर पारे की परत चढ़ा दें, मरकरी की परत चढ़ा दें, उस पे
मरकरी की परत चढ़ाकर वापिस यूज कर लें, उपयोग कर लें। क्या था कि पारे जिस किस सेल पे होता था, किस इलेक्ट्रोलोड इलेक्ट्रोड पे होता था यह दोस्त, तो वो होता था, यह दोस्त होता था जस्ते के इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, कैथोड पे, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए क्या था, आप क्या करो, जस्ते की पट्टी को बाहर निकालो, जस्ते की पट्टी को बाहर निकालो, धो लो अच्छे से, और फिर उस पर पारा रगड़ के वापिस उपयोग कर लो, तो यह दोष हमारा दूर हो जाएगा। स्थानीय क्रिया दोष आपको समझ में आ गया, और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं यह भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम बात करते हैं ध्रुवन दोष की, ध्रुवन दोष की, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्रुवन दोष होता किस पे था, तो ध्रुवन दोष जो प्रारंभिक हमारे सेल बने थे, तो ध्रुवन दोष हमारा होता था पॉजिटिव यानी कि एनोड पे, जो हमारी वोल्टाइक सेल में किसकी बनी थी, तांबे की, ठीक है। तो यह सेल तांबे की होता कैसे था, जब हम सेल उपयोग कर रहे थे, जब हम सेल उपयोग करते हैं तो क्या होता है, देखिए, जब भी हम कोई सेल उपयोग करते हैं, जब भी हम कोई सेल उपयोग करते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। जब हम सेल उपयोग करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, जो कि क्या हो रहा था, जो कि तांबे की पट्टी पे जाके एकत्रित हो जाते थे, जो कि तांबे की पट्टी पे जाके एकत्रित हो जाते थे। मान लीजिए ये तांबे की पट्टी है, तो हाइड्रोजन के बुलबुले क्या थे, ऐसे तांबे की पट्टी पे जाके एकत्रित हो जाते थे, और लगातार एकत्रित होते होते आखिरकार पूरे तरीके से तांबे की पट्टी को डक लेते थे, पूरे तरीके से तांबे की पट्टी को डक लेते थे। तो हाइड्रोजन अब क्या है, हाइड्रोजन एक कुचालक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक कुचालक है। तो कुचालक क्या होता है, कुचालक धारा प्रवाहित नहीं होने देते। जब यहां पे एक अच्छी खासी परत बन जाती थी कॉपर की पट्टी पे, तो धारा प्रवाह रुक जाता था, तो धारा प्रवाह रुक जाता था, क्योंकि हाइड्रोजन एक कुचालक है। हाइड्रोजन इस पट्टी पे, कॉपर की पट्टी पे एक परत बना लेती थी, जिससे क्या होता था, धारा प्रवाह रुक जाता था, क्योंकि हाइड्रोजन एक कुचालक है, ठीक है। तो अब इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो इस दोष को दूर करने के लिए कुछ कारकों का उपयोग किया गया, कुछ कारकों का उपयोग किया जाता है ध्रुवन दोष को दूर करने के लिए, कुछ कारकों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सी कारक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सी कारक कहते हैं, ठीक है। ऑक्सी कारक कार्य क्या करते हैं, ऑक्सी कारक हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देते हैं, हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देते हैं, याद रखिएगा, ऑक्सी कारकों का उपयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। ये ऑक्सी कारक क्या है, ये ऑक्सी कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, ये ऑक्सी कारक कौन कौन से है? जैसे कि हमारा हो गया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, बना रहे थे हम पारा सेल हमने लिया था, पारा क्या, सादिया सेल हमने लिया था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमने लिया था, ये सारे क्या है, ध्रुवन दोष को दूर करते हैं, ये सारे ऑक्सी कारक थे, इसलिए हम इसको यूज कर रहे थे, ऑक्सी कारक, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है, नाइट्रिक अमल हुआ, ये सारे क्या है, ऑक्सी कारक हैं। यहाँ पे मैं उदाहरण लिख देता हूँ, फिर मैं ग्रुप में पूछ भी लूंगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया एक उदाहरण ऑक्सी कारक का, और एक हो गया नाइट्रिक अमल हो गया, ठीक है, एक नाइट्रिक अमल हो गया, ठीक है, और पोटेशियम परा मैग्नेट हो गया, ठीक है। तो ये था कि
कि क्या था कि तांबे की पट्टी पे हाइड्रोजन के बुलबुले आ जाते थे, तो हाइड्रोजन के बुलबुले एक अच्छी खासी तांबे की पट्टी में परत बना लेते थे, जिससे कि धारा प्रवाह रुक जाता था, क्योंकि हाइड्रोजन एक कुचालक है। इसलिए तो इस हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करने के लिए हम जिन कारकों का उपयोग करते हैं, उन कारकों को हम क्या कहते हैं, उन कारकों को हम ऑक्सी कारक कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने आंतरिक प्रतिरोध भी कर लिया और प्राथमिक सेलों में होने वाले दोष भी कर लिए। अगली वीडियो में हम द्वितीयक सेलों को स्टार्ट करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।